क्या कुछ बताने लायक है, क्या कुछ समझाने लायक है, क्या कुछ परिभाषित करने लायक, किसकी व्याख्या करी जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, क्या कुछ ऐसा है, क्या मौन नहीं रह सकते, बोले जब जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। शब्द मन की चालाकी है, मन आपसे रिएक्ट करवाएगा और आप रिएक्ट करेंगे शब्दों के थ्रू, और शब्द पूरा सच नहीं होते हैं। शब्द में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, आपकी भावनाएं, आपकी पुरानी बातें, पुराने एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं शब्दों से। तो क्या करें, कोई कुछ करे, कुछ कहे, तो क्या कुछ बोले ना, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, बहुत ज्यादा, तब बोले, मौन रहें पूरे दिन, सुनते रहें पक्षियों की आवाज, आसपास के लोगों की आवाज, समझने की कोशिश ना करें, लेकिन हवा की सेंसेशन महसूस करते रहें, सर्दी और गर्मी का जो तापमान है उसको महसूस करते रहें, कुछ ना बोलें, कुछ ना कहें, ना कुछ जताएं, अपने आप में मग्न रहें, रंग बिरंगी दुनिया देखते रहें, अपनी प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करते रहें, मौन रहें, सिर्फ मौन रहे, शांत हो जाए एकदम। कुछ बताने की, जताने की, समझाने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बस पूर्ण विराम दे दें अपने आप को, रुक जाए, ठहर जाए अंदर से। शरीर की चिंता मत करो, वो अपना काम करता रहेगा। मन की चिंता भी मत करो, मन भी अपना काम करता रहेगा, लेकिन तुम ठहर जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर। बहुत भाग लिया तुमने, आजकल वीडियोस के थ्रू हम बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, ये वीडियो, वो वीडियो, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, कहानियां पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इस बड़े व्यक्ति के बारे में, उस बड़े व्यक्ति के बारे में जानते हैं। क्यों इतना सब कुछ, क्यों इतना लालच, मन को क्यों इतना जो है तुमने लालची किया हुआ है। रुक जाओ, बस तुम रुक जाओगे तो मन और शरीर वो अपना काम करते रहेंगे, उनके अंदर नेचुरल एक इंटेलिजेंस है, तुम रुक जाओ बस, ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स अपना काम करते रहेंगे, तुम मौन हो जाओ बस, चीजें होती हुई देखते रहो। बोलो तब जब अति से भी अति आवश्यक हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तब बोलो, वरना शांत रहो, शांत। एक अलग तरीके का आपको मिलन, एक अलग तरीके का मर्ज, एक अलग तरीके का, अगर मैं शब्दों में कहूँ तो, आनंद मिलेगा आपको जब आप शांति से रहेंगे, मौन रहेंगे। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ किसी को समझाने की, ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, किसी को चेज करने की जरूरत नहीं है, भागना नहीं है किसी भी चीज के पीछे।
तुम बस अपने का अपने आप को देखते रहो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी प्रकृति तुम्हें कैसे कैसे ले जाती है, ले जाती चली जाएगी, तुमसे काम करवाती रहेगी और तुम बिल्कुल रुक जाओ। मैं ये बात तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, ना तुम्हारे ब्रेन को समझा रहा हूँ, मैं ये बात तुम्हारे मन को भी नहीं समझा रहा हूँ, मैं ये बात तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हें भी नहीं समझा रहा मैं ये खुद को समझा रहा हूँ, तुम में, मुझ में और बाकी सारे सभी जीवों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तुम मेरा ही प्रतिबिंब हो, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ। तुम्हारे अंदर जो है वो मेरे अंदर है, वो सबके अंदर है, वो मैं सब कुछ है, वो मैं ही सच है, बाकी सब भ्रम है, बाकी सबको खेल की तरह खेलते जाओ और इस जीवन लीला का आनंद लेते जाओ, मस्ती में रहो, अपनी जिंदगी को जीते रहो, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। सत्य मौन ही है, सत्य का कोई शब्द नहीं है, सत्य की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अंतिम सत्य यही है, मौन हो जाओ, ठहर जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, मत देखो बाहर। भावनाएं, विचार, सब कुछ तुम्हारा भ्रम है, इल्यूजन है। तुम खुद को एक बार रोक लो, मन से नहीं, विचारों से नहीं, बस रोक लो। तुम, मैं, जगत का सारा जीव, ये पूरा जगत, ये सारा संसार एक है। काम करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, मजे करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ। थैंक यू वेरी मच।